इंदौर में साल 2010 में हुए बैंक डकैती के एक मामले में शुक्रवार को भी सिमी से जुड़े दो आतंकियों को जिला कोर्ट में पेश किया गया। आमीन और मोमीन को महाराष्ट्र पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच इंदौर लेकर पहुंची थी। शुक्रवार को हुई इस मामले की सुनवाई में बैंक के मैनेजर व अकाउंटेंट के साथ ही एक अन्य गवाह के बयान भी लिए गए और सुनवाई के बाद दोनों आतंकियों को महाराष्ट्र पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से मुंबई ले गई। आज माननीय 12वें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान पीके सिन्हा साहब के यहाँ दिनांक 4/1/2010 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सपना संगीता के सामने जो 16 लाख रुपए की डकैती हुई थी, जिसमें दो आरोपी बम्बई बम ब्लास्ट के हैं अमीन और मोबिन, जिन्हें वहां से लाकर यहां पेश किया गया था। आज इस प्रकरण में तीन गवाह हुए, जिसमें एक जो साक्षी था अनुभव दुबे, वो कोटक महिंद्रा बैंक का मैनेजर था और उसी बैंक का सेवा प्रबंधक प्रदीप, तथा एक सुरेश चौहान जो शर्मा लाज में जब घटना हुई थी उस समय ये लोग रुके थे, उस समय जो रजिस्टर में एंट्री की थी उस बाबत इस सुरेश चौहान द्वारा बताया गया है। और इन लोगों ने जो कोटक बैंक ऑफ महिंद्रा के जो मैनेजर थे, उन्होंने मुबीन के जो मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी भी है उसके अकाउंट के स्टेटमेंट पेश किए थे, जिसे आज उन्होंने माननीय न्यायालय के समय समक्ष प्रमाणित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में होगी। 4 जनवरी 2010 को सपना संगीता रोड स्थित ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में हुई डकैती में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से जुड़े आतंकी आमीन और मोमीन भी शामिल हैं। इनके अलावा इस डकैती में विक्की जसपाल और मोहम्मद सिद्दीकी भी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज।